वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद टारगेट। आज के वीडियो में बात करेंगे हम आपके एनटीए जेएनयू नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट, जिसमें आपके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और आपके नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और आपके टाइपिंग आपके कब होगी, यानी कि आपके सीबीटी वन एग्जाम होगा तभी आपकी टाइपिंग होगी या फिर कब होगी, और तो वो मैं आपको पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलते हैं हम सबसे पहले नोटिफिकेशन पीडीएफ में, जहाँ से तुमको पता चलेगा कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। देखो यहाँ पे देखते हैं हम, तो ये उसका आपके जो एग्जाम पैटर्न है वो रहने वाला है। आप देख सकते हो नोटिफिकेशन दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे देखो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द नॉन टीचिंग स्टाफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ साउथ एनटीए, एनटीए की तरफ से और जवाहरलाल नेहरू दोनों की तरफ से इस नोटिफिकेशन को बनाया गया है। तो आगे देखते हैं, तो आपके ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है सभी पोस्ट के लिए, जो आपकी जो कोई भी पोस्ट है तो सभी के लिए सेम एग्जाम पैटर्न है, सिर्फ आपके एग्जाम का लेवल आपके अलग अलग होने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं रीजनिंग और मैथ में आपके लगभग 35 आपके क्वेश्चन रीजनिंग के और मैथ के 35 क्वेश्चन, तो ये आपके पैटर्न होने वाले, यानी कि 70 क्वेश्चन तो आपके सिर्फ मैथ और रीजनिंग के आएंगे, यानी कि 100, यानी कि आप मान के चलो कि आपके लगभग 70 और 70 140 नंबर तो आपके लगभग मैथ और रीजनिंग से आपके कवर हो जाएंगे, तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो आपके आपके सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं। तो आगे देखते हैं ये आपके एग्जाम पैटर्न हो गया, और आपके ये आपके सिलेबस है, देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी और टेस्ट ऑफ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, जो भी आपको सब्जेक्ट आपको चॉइस करनी है तो वो वहाँ पर चॉइस कर सकते हैं, और कंप्यूटर नॉलेज, तो ये आपके 5 सब्जेक्ट आपके होने वाली है, और पेपर टू आपके जिसके पेपर टू है तो उनके पेपर टू होगा, बाकी किसी के नहीं है तो उनके लगभग सीधा आपके फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आप देख सकते हैं इन 4 पोस्ट में आपके पेपर टू भी आपके होने वाला है। और आगे हम देखते हैं, आपको सिलेबस मैंने बता दिया और एग्जाम पैटर्न बता दिया, आप देखते हैं हम इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग आपके इसमें क्या होने वाली है। तो देखते हैं नेगेटिव मार्किंग, देखो ये रहा आपके 7 नंबर का पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट को आपको पूरा पढ़ना है जिससे आपको पता चल जाएगा। देखो देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन पेपर 1 एंड पेपर 2 टू द ट्यून ऑफ 1/4 ऑफ मार्क ऑफ एलोकेटेड पर क्वेश्चन, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपके होने वाली है पर क्वेश्चन में, तो ये आपको ध्यान में रखना है, और जब आप एग्जाम दें तो एग्जाम में भी आपको ध्यान में रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, यानी कि जब आप कंप्यूटर पर आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तो उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, तो उन इन्फॉर्मेशन को आपको पूरा पढ़ना है जिससे आपको कोई भी नुकसान ना हो, क्योंकि एंड वक्त पर कुछ कह नहीं सकते कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो वो आपको जरूर पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है जिससे आपको कुछ भी हानि ना हो। तो आगे देखते हैं हम, ये आपके हो गया नेगेटिव मार्किंग का, तो अभी हम देखते हैं आपके टाइपिंग का सेशन आपके क्या रहने वाला है। जैसे कि टाइपिंग के बारे में मैं आपको बता दूँ, तो देखो टाइपिंग आपके लगभग अभी नहीं होगी, आपके जो पहले ये सीबीटी वन आपका एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद इसका वापस रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में लगभग आपके लगभग 15 गुना या फिर कुछ ऐसा मुझे लगता है आपके कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा, तो फिर उसके जो कैंडिडेट को क्वालिफाई होंगे तो उसमें लगभग आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि साफ साफ है कि आपको इससे सीबीटी वन में आपको टाइपिंग नहीं होगी, तो बाद में आपका जब इसका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के बाद आपकी टाइपिंग होगी, यानी कि अभी आपके पास लगभग 2.5 से 3 महीने का आपके पास समय बचा है, तो आप आराम से अपने टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके इसमें लगभग 40 जानकर मैंने आपको बता दिए, और भी आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।